हेलो बच्चों, दिस इज पीयूष सिंह। मेरा नाम पीयूष है और मैं यहाँ पे इवॉल्व कोचिंग का डायरेक्टर एंड एचओडी केमिस्ट्री का। तो आज मैं आइए आपको टॉपिक पे ले चलता हूँ, एसिडिक हाइड्रोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इवन इसको इनऑर्गेनिक में भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस इसके अंदर है थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप बहुत बार देखे होंगे कि बेस क्या होता है और बेस कहाँ अटैक करता है। सबको पता है कि बेस कहाँ अटैक करता है, हाइड्रोजन। बेस की एक ही प्रॉपर्टी होती है, बेस हमेशा किसको ढूंढता है, हाइड्रोजन को ढूंढता है। किस हाइड्रोजन को ढूंढेगा? ज्यादातर बेस एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमें बेस तो पता है, अगर हमें एसिडिक हाइड्रोजन पता चल जाए तो बहुत आसानी से एसिड बेस रिएक्शन करा के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो बेटा, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा व्हाट इज द रोल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एंड व्हाट इज द एसिडिक होता क्या है। तो देखिए, सिंपल दो लाइन में बताऊंगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एसिडिक हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जो हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक से होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। यानी अगर कहीं भी आपको हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्ट अटैच है तो आप समझ जाइएगा कि वो हाइड्रोजन एसिडिक है। वही H+ आयन निकलेगा और निकालेगा कौन? बेस निकालेगा, ठीक है। यानी पॉइंट नंबर 1, एसिडिक हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसमें ये हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे अटैच होगा, X किसी एटम से, और ये जो X एटम होगा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या तो फ्लोरीन होगा। आप जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में 4.0। सेकंड पोजीशन पे वो होगा ऑक्सीजन जिसकी होती है 3.5, और कौन होगा बेटा? नाइट्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। तो अगर इन तीन एटम से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन है तो आप समझ जाइएगा बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। साथ ही साथ कुछ कार्बन भी होते हैं, वही कार्बन जो कार्बन क्या हो बेटा आपके sp हाइब्रिडाइज। अगर कोई कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, एग्जांपल के तौर पे एल्काइन का कार्बन क्या होता है बेटा? sp हाइब्रिडाइज होता है, और हम जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है। लेकिन अगर किसी का कंपाउंड में कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटा वो ग्रेटर देन हो जाती है 3.25। यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.25 हो जाती है। दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन क्या हो जाता है बेटा? नाइट्रोजन। तो ये समझ में आ गया कि एसिडिक हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली किससे अटैच हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। लेकिन कार्बन में कौन सा कार्बन? एक ऐसा कार्बन जो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp। तो इसमें s% कैरेक्टर कितना होता है बेटा? 50%। और वी नो दैट कि s% कैरेक्टर के इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। तो इस कार्बन से अटैच ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से ही ज्यादा एसिडिक होगा, बट ऑक्सीजन और फ्लोरीन से क्या होगा बेटा? कम होगा। तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन आपको समझ में आ गया तो आइए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। फिर से सुनिए, एसिडिक हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जो डायरेक्टली किससे लिंक होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज मान लो आपके नीट में क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दे रहा है वो ध्यान समझिएगा। जैसे सपोज मान लो एक कंपाउंड इस तरह से बना दिया और इस कंपाउंड में यहां लगा हुआ है OH हाइड्रोजन नंबर 1, यहां पे लगा है आपका क्या NH और ये हो गया हाइड्रोजन नंबर 2, और यहां पे क्या है C ट्रिपल बॉन्ड CH हाइड्रोजन नंबर 3, और यहां पे क्या हो गया आपका CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया हाइड्रोजन नंबर 4। और क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ऑर्डर आपको बताना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप ऑप्शन में चेक करने जब जाएंगे तो पूरा फोकस इस पे रखिएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आपको फ्लोरीन नजर आ रहा है? आंसर है नहीं। लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन तो है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बच्चों? 3.5 होती है। नाइट्रोजन की 3.0 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। लेकिन एक ऐसा कार्बन जो sp है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा और 3.5 से कम, यानी 3.25 के आसपास में जाती है, नाइट्रोजन से ज्यादा। अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन होगा?
भी है राइट। ये वाला कार्बन किससे अटैच है? नाइट्रोजन। ये किससे अटैच है? ऑक्सीजन। बताओ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की होगी। ये कार्बन इसकी नहीं है। ये कार्बन क्या है आपका? एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा रखने की वजह से ये कार्बन आपका क्या है? आपका sp2। और वही कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी जो कार्बन sp हो। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है? और वो है ऑक्सीजन से अटैच, यानी पहले नंबर पे कौन आएगा? h2। सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा? अक्सर बच्चे गलती करेंगे, इसको sp2 दे देंगे, क्योंकि सबको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए सेकंड पोजीशन पे वो sp2 पर जाएंगे और एग्जाम में ऑप्शन भी दिया रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से बताएंगे तो मैं अभी थोड़ी देर बताया हूं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भले ज्यादा होगी, लेकिन अगर कार्बन sp2 वाला है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन से ज्यादा। तो पहले पोजीशन पे तो ये पहुंच गया, और दूसरे पोजीशन पे कौन पहुंच जाएगा बेटा? H3 वाला। एंड देन लास्ट में क्या होगा आपका? H2। और लास्ट में क्या होगा आपका? ये H4 वाला कार्बन, ये एसिडिक हाइड्रोजन का बॉन्ड है। क्लियर है? अब तो बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा? क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है? यस पूछे। और अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा तो इसी क्वेश्चन को मैं वहां पे दूसरे तरीके से पूछूंगा। सपोज मान लीजिए ये क्या है आपका OH, ये क्या है आपका NH, और ये हो गया H, ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो गया CH, और यहां पे मान लो क्या है आपका C डबल बॉन्ड C, यहां पे 2H और 1H है। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि इसका रिएक्शन 1 मोल ऑफ सिर्फ 1 इक्विवेलेंट किससे करा रहे हैं? बेस से। बेस से रिएक्शन करा रहे हैं, और आपको पता है कि NH क्या होता है चले बच्चों? बेस होता है। तो बताइए अगर इसका सिर्फ 1 मोल है बेस, तो बेस किस पे अटैक करता है? पहले ही बता दिए थे कि बेस हमेशा किसको ढूंढता है? हाइड्रोजन को। कौन सा हाइड्रोजन? जो सबसे ज्यादा एसिडिक हो। अब इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक जो हाइड्रोजन होगा बेस उसी पे अटैक करेगा, क्योंकि इसका सिर्फ 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है 1 मोल। अब ऑप्शन में क्या देगा? पहले बेस में बेस को H यहां से निकाल देगा एक ऑप्शन, और यहां क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H हमेशा किस फॉर्म में निकलेगा? प्लस माइनस। ये किसमें निकलेगा? प्लस माइनस। ये क्या हो जाएगा अपना? प्लस माइनस। तो पहले ऑप्शन में इसमें नेगेटिव दे देगा, दूसरे ऑप्शन में इसमें नेगेटिव दे देगा, तीसरे ऑप्शन में हो सकता है इस पर नेगेटिव दे दे, और चौथे ऑप्शन पे इसमें नेगेटिव दे दे। बताइए आप किससे निकालेंगे? बेस वन में अटैक करेगा जो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक हो, और अभी आपने कौन बताया है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन। तो पहले नंबर पे कौन जाएगा? एच, यानी अगर 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है बच्चों पहले बेस कहां से निकालेगा? यहां से जो बेस होगा वो यहां से एच को डालेगा और उसको बना देगा नेगेटिव। बाकी सब ऑप्शन आप क्या करना भूल जाना, क्योंकि बेस का सिर्फ 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको शायद समझ में आ चुकी होगी कि व्हाट इज द एसिडिक हाइड्रोजन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बेस, क्योंकि बेस हमेशा कहां अटैक करता है? एसिडिक हाइड्रोजन पे। अब ये आसान क्वेश्चन हो गया, हो सकता है यहां क्वेश्चन बच्चे लगाते बच्चों को पता है। दूसरा क्वेश्चन इससे भी अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 1 इसको मैं हटा रहा हूं, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। एसिडिक हाइड्रोजन की बात चल रही है, उसी के बाद चलेगी। पॉइंट नंबर 1 तो मैंने बता दिया, एक ऐसा हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच करेगा। दूसरा केस एसिडिक हाइड्रोजन का, सुनिए ध्यान से। अब बहुत सारे कंपाउंड में ऐसा होगा कि आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिया ही नहीं रहेगा, ना ही ऑक्सीजन, ना ही कार्बन, ना ही नाइट्रोजन, ना ही अदर एटम। तो उस केस में आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। यस मैंने बोला, लेकिन कुछ हाइड्रोजन ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक तो होते हैं लेकिन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं होते हैं। तुम बोलोगे सर आप कैसे बता पाएंगे या हम कैसे बता पाएंगे? उसके लिए पॉइंट नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूं। एक ऐसा हाइड्रोजन, ध्यान से, एक ऐसा हाइड्रोजन जिस हाइड्रोजन के रिप्लेस होने के बाद मींस रिमूव होने के बाद हाइड्रोजन जब निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा? कंजुगेट बेस बनेगा। वो कंजुगेट बेस अगर नेचर में स्टेबल हो गया तो आप समझ जाना कि वो हाइड्रोजन नेचर में क्या होगा? एसिडिक होगा। क्या बोला? एक एसिडिक हाइड्रोजन ऐसा होता है जिस हाइड्रोजन को
और निकालने के बाद आप क्या बनाओ कंजुगेट बेस, और तुम देखो क्या कंजुगेट बेस स्टेबल है। अगर कंजुगेट बेस स्टेबल होगा तो कंपाउंड अपना एक्स्ट्रा साइन दे देगा और आसानी से देने की टेंडेंसी क्या कहलाती है हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे सर कैसे मालूम चलेगा कि कब स्टेबल होगा, इसको स्टेबल होने के लिए कंपाउंड जीओस क्या पढ़े हो सकता है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक के थ्रू स्टेबल हो जाए, यानी जो कंजुगेट बेस बनेगा वो एरोमेटिक के थ्रू स्टेबल हो जाए, या किसके थ्रू स्टेबल हो जाए भाई, या तो वो रेजोनेंस रेजोनेंस या मीजोमेरिक के वजह से मीजोमेरिक के इफेक्ट के वजह से स्टेबल हो जाए, या वो किसकी वजह से स्टेबल हो जाए इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से स्टेबल हो जाए, किसी भी कंडीशन की वजह से स्टेबल हो जाएगा। अब समझ जाना वो आइडिया है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, मानकर क्वेश्चन दे दिया ये हो गया एच वन हाइड्रोजन नंबर वन, यहां दे दिया हाइड्रोजन नंबर टू, ये दे दिया और बोला कि इसका रिएक्शन किससे करा लो बेटा, बेस से करा लो, कोई भी बेस दे देगा बच्चों। मान लो उसका रिएक्शन दे दिया ओ एच माइनस और तुमसे क्वेश्चन पूछ गया प्रोडक्ट क्या बनेगा, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा इंटरमीडिएट क्या बनेंगे या प्रोडक्ट क्या बनेगा। हो सकता है इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछ दे इंटरमीडिएट क्या होता है रिएक्शन के बीच का, या हो सकता है प्रोडक्ट पूछ दे, तो भैया ये तो बेस है ना, कहां से आया होगा Na+ और अभी मैंने बताया कि भैया बेस कहां अटैक करता है बच्चों, बेस अटैक करता है हाइड्रोजन पे, बेस सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को ढूंढना पसंद करता है। कौन सा हाइड्रोजन एसिड क्या होता है, एक मॉलिक्यूल नेगेटिव एटम से अटैच है और दूसरा जिसके रिप्लेस होने के बाद कंजुगेट बेस से। अब बताओ कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है, जिस हाइड्रोजन के रिप्लेस होने के बाद कंजुगेट बेस स्टेबल, एक बार मैं अगर इस हाइड्रोजन को निकालता हूं देखो हाइड्रोजन के रिप्लेस होने के बाद, बताओ रिप्लेस होने के बाद कंजुगेट बेस कैसा बनेगा, कंजुगेट बेस आपका ऐसा ही तो बनेगा ये और ये कैसे निकला तो कार्बन में कौन सा जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन के क्या होता है पॉजिटिव, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इस पर क्या होगा नेगेटिव जाएगा। अब ध्यान से बताओ क्या ये कंजुगेट बेस स्टेबल है भाई, खतरनाक स्टेबल है, इसकी तो दीवारी आ गई, क्यों, क्योंकि देखो तुमको लग रहा है कि बहुत सारी घर भी डोमिनेंस है पॉजिटिव कंजुगेट से, इधर भी डोमिनेंस है रेजोनेंस दोनों तरफ है, लेकिन रेजोनेंस से भी पावरफुल इफेक्ट कौन सा होता है एरोमेटिक। अब देखो ये कंपाउंड एरोमेटिक की कंडीशन को फॉलो करता है और एरोमेटिक क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जो क्लोज चेन बनाएंगे एक क्लोज, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कंजुगेशन होगा, देखो डबल बॉन्ड से अटैच आइटम पर क्या है नेगेटिव कंजुगेशन कंजुगेशन, एक ऐसा कंपाउंड जो हकन्स रूल को फॉलो करता है 4n+2=2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो किया तो कंपाउंड इज एरोमेटिक, और अगर कंपाउंड एरोमेटिक हुआ तो भैया वो हाइड्रोजन खतरनाक एसिडिक होगा, क्योंकि ये और भी ज्यादा पावरफुल होता है रेजोनेंस से। तो क्या देखो हर दो सूत्र लग रही है 4n+2=2 पाई इलेक्ट्रॉन, आप सबको पता होगा डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे दो, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन भी इसमें होंगे, इसमें भी कितना होगा दो, एक निगेटिव चार्ज हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड बनाएगा, तो एक निगेटिव चार्ज भी दो पाई इलेक्ट्रॉन लेके अपने साथ चलता है बच्चों, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दो, दो चार दो छह, तो पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू छह, और 4n=6 - 2 कितना हो जाएगा 4n=2 क्या हो गया 1, यानी ये कंपाउंड एरोमेटिक के तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्लोज चेन कंजुगेशन, हकन्सुल में एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए होल नंबर 0, 1, 2, 3 कुछ आ गया एरोमेटिक होगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ गया एरोमेटिक नहीं, ये तो कितना आ रहा है 1, तो कंपाउंड इज एरोमेटिक, तो एक ऐसा हाइड्रोजन जिसके रिप्लेस होने के बाद कंजुगेट बेस स्टेबल हो जाए। बताओ क्या कंजुगेट बेस स्टेबल हुआ, यस सर एरोमेटिक के थ्रू स्टेबल हुआ, दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, यानी बेस एरोमेटिक।
ये कंपाउंड दिया था ए बेंजीन, यहां लगा दिया था डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देख के डरना नहीं है कंपाउंड को, ये हो गया NH कंपाउंड हाइड्रोजन वाला। दूसरा कंपाउंड आपके सामने ये दिया था दिस वन दिस वन दिस वन, ये बेंजीन रिंग है और यहां लगा दिया सी डबल बॉन्ड दो, सी डबल बॉन्ड दो और ये क्या हो गया आपका NH, आप दोनों के सब दोनों कंपाउंड तो सेम ही है, यस दोनों कंपाउंड सेम है लेकिन इस कंपाउंड में इस पोजीशन पर क्या लगा है NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन, बोलो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस ही लगा जाता है बच्चों। तीसरे केस में जो कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड को मैं यहां लिख रहा हूं दिस वन दिस वन दिस वन, ये कंपाउंड दिया दिस दिस और यहां पे सिर्फ डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां पे ये वाला कंपाउंड ऐसे दे दिया NH के हाइड्रोजन नंबर दी, ठीक है मैंने बेंजीन रिंग को ऐसे दे दिया। और चौथा कंपाउंड मान लो आपके सामने क्या दे दिया दिस वन दिस वन दिस वन, ये कंपाउंड दे दिया और यहां लगा दिया आपका NH हाइड्रोजन नंबर 4। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हाइड्रोजन नंबर 1 हाइड्रोजन नंबर 2 हाइड्रोजन नंबर 3 4 ऑर्डर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, और ऑप्शन आपको क्या एग्जाम में दिया था वो भी मैं बता दूं। पहला ऑप्शन दिया था H1 is greater than H2 is greater than H3 is greater than H4, ओके सर। दूसरा ऑप्शन क्या दिया था दिया था H3 is greater than H1 is greater than H3, H3 is greater than H1 H2 and then H4। तीसरा ऑप्शन क्या दिया था H2 is greater than H1 is greater than H3 is greater than H4, और चौथा ऑप्शन यहां पर दिया था नंबर 3। सर बढ़िया क्वेश्चन है, अब आप एसिडिक हाइड्रोजन को पहचानिए। मैंने क्या बोला एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन जिसके रिप्लेस होने के बाद कंजुगेट बेस के चलते क्या हो जाए बच्चों स्टेबल हो जाए। तो देखो मैं सभी हाइड्रोजन निकालता हूं जो सर्कल में है, मैं इस हाइड्रोजन को निकालूंगा तो इस पर क्या करना है बच्चा कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखना है, हाइड्रोजन को अच्छा इस हाइड्रोजन को निकालो तो इस पर आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन को निकालो तो इस पर आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको भी निकालोगे तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव। अब बहुत ध्यान से बताइए किसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा नेचर में स्टेबल है, इस नेगेटिव का इस नेगेटिव का इस नेगेटिव का या इस नेगेटिव का, बहुत ध्यान से देखिए चौथे वाले क्वेश्चन। इसका नेगेटिव चार्ज तो कहीं रेजोनेंस में है ना, जब रेजोनेंस में है ही नहीं जब ऐसे देखो वो बनेगा, क्योंकि ऐसे देखा तो इसके रिप्लेस होने के बाद कंजुगेट बेस या तो एरोमेटिक या तो रेजोनेंस या तो मेसोमेरिक या किसी अनदर फैक्टर की वजह से स्टेबल हो जाए। अब इधर देखिए अगर आप इस एच को निकालते हैं तो यहां पे बना नेगेटिव चार्ज, ध्यान से देखिए इस डबल बॉन्ड के साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है यानी यहां पे फैक्टर बन गया रेजो का, रेजो या मीजो का रेजोनेंस या मीजो में, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ी नहीं क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस आ गया और रेजोनेंस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जबकि यहां पे कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड यहां है लेकिन कंजुगेशन थोड़ी ना है मेरे पास है यानी यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहां पे एक रेजोनेंस। अब इधर देखिए जब इसको निकाले तो यहां आया नेगेटिव और ये नेगेटिव, इधर भी कंजुगेशन में इधर भी कंजुगेशन में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ज्यादा बनेंगे, इसके बस यहां बनेंगे लेकिन इसके यहां और यहां क्रॉस कंजुगेशन, दो तरफ के कंजुगेशन कहते हैं क्रॉस, और क्रॉस से इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा इससे क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, अगर 10 कंपाउंड इन रूल्स के बाद में 10 आपको बोलोगे सर इसको निकालो नेगेटिव, यस क्या सर ये भी तो रेजोनेंस में है इधर उधर और इन दोनों में रेजोनेंस बराबर हो रहा, दो रेजोनेंस क्रॉस दो क्रॉस एक जीरो, तो सबसे ज्यादा इन तीनों में कौन होगा दो वाला एक वाला जीरो वाला, लेकिन दो और दो में कैसे डिसाइड करोगे सर, दो और दो में डिसाइड करने का तरीका देखो ये कॉमन फैक्टर हो गया और अगर किसी दो कंपाउंड में नंबर ऑफ रेजोनेंस सेम होगा तो वो कॉमन हो गया, और कॉमन फैक्टर कभी भी रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है, तुम बोलोगे फिर कैसे डिसाइड होगा अनकॉमन। बहुत प्यार से देखो इन दोनों कंपाउंड में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इन दो कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर रहा है, ये नो बराबर है रिंग, ये रिंग तो बैठी है लेकिन NO2 ये NO2 यहां लगा है लेकिन क्या इस रिंग पर कोई ग्रुप लगा है नहीं, और NO2 इलेक्ट्रॉन पे ड्रॉ ग्रुप है क्या लगाता है खींचता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन
कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, ये हाइड्रोजन और भी ज्यादा क्या होगा एसिडिक, क्योंकि माइनस साइड इफेक्ट कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो इन दोनों में एक एक्स्ट्रा फैक्टर लग गया क्या, माइनस आई का, और माइनस आई लगने की वजह से इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा, दैट मींस ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो बेस सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा इससे, तो पहले ऑप्शन में कौन आएगा आपका H2। किस भी ऑप्शन में H2 है, हां सबसे इसमें है, तो पकड़ लो H2 के बाद H1 ही आएगा, इसके बाद H1, उसके बाद H3 H4, यानी C इज अ राइट आंसर, बोनस का नंबर है बच्चों, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यही रोल होता है ऐसे दिखाई देगा और ये पूरी ऑर्गेनिक में चलेगा, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल में, यही मैकेनिज्म चलता है जो कि चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान होता है। क्या एक और क्वेश्चन देखना पसंद करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और ऐसे दिखाई के चैप्टर को क्लोज करते हैं, और इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, जरूर सॉल्व होगा, मैं आपको यहां बुला के सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, एकदम लास्ट क्वेश्चन है इस बार का। ठीक है, देखते हैं कि ऐसे दिखाई देते हैं, बहुत आराम से, क्योंकि बेस हमेशा कहां अटैक करता है, ऐसे दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन का अगला ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ठीक है, ये कंपाउंड ऐसे है और यहां पे कार्बन है, इस कार्बन में दो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन नंबर मान लो क्या है, फ्रॉम बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, मैंने मान लो इस कंपाउंड को ऐसे लिख दिया और यहां पे 10-1, 10-1, 10-1, और यहां पे मैंने इस कार्बन की जगह क्या कर दिया, एच, और यहां क्या लग गया, एन एन, और यहां पे और कंपाउंड, ये हो गया हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन नंबर 3 ये हो गया कार्बन H3, और यहां पे क्या लग गया, सल्फर सल्फर, और यहां पे कंपाउंड में चौथा ऑप्शन है, पर इन तीनों में गेम खेलते हैं। बताइए इन तीनों में क्वेश्चन पूछा था मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, ऑप्शन ए क्या H1 होगा, ऑप्शन बी क्या H2 होगा, ऑप्शन सी क्या H3 होगा, ऑप्शन डी ऑल आर इक्वल। अब बता सकते हैं क्या होगा, तो हमने क्या बोला था, एक ऐसा हाइड्रोजन जिस हाइड्रोजन के रिप्लेस होने के बाद बच्चों कंजुगेट बेस स्टेबल होता है, आप कुछ मत करो H को निकालो, जो सर्कल में निकालते हैं H को, यहां से H निकालोगे तो इस पर निगेटिव आएगा, यस या नो, यहां से H निकालोगे तो इस पर निगेटिव आएगा, यस, यहां से H निकालोगे तो इसमें नेगेटिव आएगा। अब कॉमन फैक्टर देखते हैं, बताओ इधर रिंग है, यस, इधर रिंग है, यस, इधर रिंग है, यस, रेजोनेंस लेते हैं, और रेजोनेंस यहां पे इस साइड में, यहां पे रेजोनेंस है, गलत कौन से अटैचमेंट पे नेगेटिव है, यहां भी, तो बताओ ये तीनों कॉमन हो गए ना, और कॉमन फैक्टर तो रिजल्ट डिसाइड करता ही नहीं है, यानी ना ये रिंग करेगा ना ये रिंग करेगा। अब अनकॉमन पे आते, देखो अनकॉमन पे हमेशा एग्जाम में जाता है, अनकॉमन क्या है, इस कारण से दो ऑक्सीजन लगे, इस कार्बन से दो नाइट्रोजन लगे, बहुत अच्छी बात है, और इस कार्बन से दो सल्फर, ज्यादातर लोग इसको मान गए हैं, पूछो क्यों, क्योंकि तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा माइनस साइड लगाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइड इफेक्ट अभी आपको थोड़ी देर बताया था कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, राइट, तो पहले ये बोलोगे सर, लेकिन सर आप इंडक्टिव इंडक्टिव और रेजो में पावरफुल कौन होता है, रेजोनेंस, आप इंडक्टिव को देखे लेकिन रेजोनेंस भूल रहे थे, आपको सभी फैक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि तो जिसके रिप्लेस होने के बाद कंजुगेट बेस स्टेबल हो जाए वही तो हाइड्रोजन होगा। तो भाई रेजोनेंस से पावरफुल कौन होगा आपका, एरोमेटिक। अब ध्यान से देखिए, यहां पे माइनस आई लग रहा है इंडक्टिव, यहां माइनस आई लग रहा है इंडक्टिव, लेकिन सर स्पेशल के सल्फर, सल्फर के पास क्या होता है बच्चों, वैकेंडी ऑर्बिटल होता है, इसके पास वैकेंडी ऑर्बिटल है और इसके पास निगेटिव चार्ज है, ये अपना निगेटिव चार्ज इसके वैकेंड ऑर्बिटल में डोनेट करके क्या बनाएगा, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग स्पेशल टाइप क्या होता है,
सप्ताह में रेजोनेंस लग गया, मतलब वो उसकी स्टेबिलिटी इंडक्टिव से ज्यादा हो गई, और पी बाई डी बाई बॉन्डिंग का मतलब अपना नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है, और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। कहां से कहां तक गया इसके नेगेटिव, इसके पी से कहां गया, सल्फर के पैकेट डी में गया, इसलिए इसका पी और इसका डी। पी बाई डी बाई क्यों बोलते हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था, एक बॉन्ड और बन गया डबल बॉन्ड, ज्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा, S3 इज द मोस्ट एसिडिक बिकॉज कंजुगेट बेस स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड इन पी बाय डी बाय। तो आंसर क्या होगा बच्चों, S3 इज द राइट आंसर। आप H1 S2 में नहीं जा सकते, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत मैं बना दूंगा बेस देके, बहुत सारे क्वेश्चन पे गेम खेल सकता हूं, ठीक है, बट आज नहीं रहने देते हैं। इसके अलावा आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।